वेल तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो हज़ार पाँच में रिलीज़ हो चुकी एस आर के की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2005 में रिलीज हो चुकी एक बहुत प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आईएमडीबी रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि ये मूवी अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना बखूबी है सामने रखी गई है, देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या कि ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े बढ़ेन बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा, होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या है? देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली तक देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये तीनों जेनर ही बहुत बखूबी दिखाए गए हैं यहां पर ना सिर्फ आप लोगों को एक्शन बल्कि यहां पर रोमांस और थ्रिल भी देखने को मिलेगा अगर हम यहां पर आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्योरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वीडी द स्क्वेयर सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं। वेल well, तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करेक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो हज़ार पाँच में रिलीज़ हो चुकी एस आर के की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई एम रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि यह मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नजर आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की, जो है, वो सारी की सारी IMDb क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई जो है वो रेटिंग है, कि ये बहुत लेंदी है ये बस सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े बढ़ेन बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज़ में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली लास्ट तक देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये तीनों जेनर ही बहुत बखूबी बहु दिखाए गए हैं यहां पर ना सिर्फ आप लोगों को एक्शन बल्कि यहां पर रोमांस और थ्रिल भी देखने को मिलेगा अगर हम यहां पर आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम डोरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वीडी द स्क्वेयर सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो हज़ार पाँच में रिलीज़ हो चुकी एस आर के की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई एम डी बी रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि यह मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी

दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली लास्ट तक देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये तीनों जेनर ही बहुत बखूबी दिखाए गए हैं यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को एक्शन बल्कि यहाँ पर रोमांस और थ्रिल भी देखने को मिलेगा अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम डोरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वी द स्क्वेयर सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी एस की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई एम डी बी रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि यह मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी की पर रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है कि आइए बहुत ज़्यादा है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहां पर आगे बढ़े एंड बात कर लें यहां पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली लास्ट तक देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये तीनों जेनर ही बहुत बखूबी बहु दिखाए गए हैं यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को एक्शन बल्कि यहां पर रोमांस और थ्रिल भी देखने को मिलेगा अगर हम यहां पर आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या NHLVishman, ये बहुत ज़्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम डोरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वीडी द स्क्र सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं ईजिली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी एस की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाइट लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि यह मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स पॉइंट फोर आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली

ड्योरेशन रखी गई है अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वीडी द स्क्वेयर सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस आर के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं ईजिली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर यह वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल well, तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी एस की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाइट लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि यह मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिससे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स पॉइंट फोर आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहां पर आगे बढ़े बात कर लें यहां पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली लास्ट तक देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये तीनों जेनर ही बहुत बखूबी दिखाए गए हैं यहां पर ना सिर्फ आप लोगों को एक्शन बल्कि यहां पर रोमांस और थ्रिल भी देखने को मिलेगा अगर हम यहां पर आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वीडी द स्क्वेयर सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग इन की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से यह सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं। वेल well, तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी एस की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहां पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत बारी मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आईएमडीबी रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि ये मूवी अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस देख दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली

टाइम डोरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वीडी द स्क्र सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग इन की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं ईजिली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी एस की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहां पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत प्यारी प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आईएमडीबी रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि ये मूवी अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानवर से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली

टाइम ड्योरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वी द स्क्र सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग इन की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर यह वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं। वेल तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो हज़ार पाँच में रिलीज़ हो चुकी एस आर के की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई एम रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि यह मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी की पर रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है, वो कितनी है कि ये बहुत ज़्यादा है या ये बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो बहुत ही रखी गई है सिक्स पॉइंट फोर आउट ऑफ टेन मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली लास्ट

टाइम ड्यूरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वी द स्क्यर सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं। वेल well, तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करेक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो हज़ार पाँच में रिलीज़ हो चुकी एस आर के की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई एम रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नजर आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की, जो है, वो सारी की सारी IMDb क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई जो है वो रेटिंग है, कि ये बहुत लेंदी है या बस सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन की आई एम डी रेटिंग है जो कि अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े बढ़ेन बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली

टाइम ड्योरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वीडी द स्क्वेयर सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट डिफरें उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो हज़ार पाँच में रिलीज़ हो चुकी एस आर के की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई एम डी बी रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि यह मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई जो है वो कितनी है क्या कि ये बहुत ज़्यादा है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े बढ़ेन बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली

ड्योरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वी द स्क्वेयर सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी एस की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई एम डी बी रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि यह मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है क्या कि यह बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े बढ़ेन बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली

टाइम डोरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अन उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वीडी द स्क्र सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं ईजिली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं। वेल तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी एस की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाइट लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही मूवी मूवी पहेली के के बारे बारे में में तो इस के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि यह मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिससे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े बढ़ेन बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली तक देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये तीनों जेनर ही बहुत बखूबी दिखाए गए हैं यहां पर ना सिर्फ आप लोगों को एक्शन बल्कि यहां पर रोमांस और थ्रिल भी देखने को मिलेगा अगर हम यहां पर आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम डोरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वीडी द स्क्र सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग इन की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं ईजिली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर यह वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं। वेल well, तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी एस की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहां पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाइट लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि यह मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स पॉइंट फोर आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली तक देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये तीनों जेनर ही बहुत बखूबी दिखाए गए हैं यहां पर ना सिर्फ आप लोगों को एक्शन बल्कि यहां पर रोमांस और थ्रिल भी देखने को मिलेगा अगर हम यहां पर आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्योरेन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वीडी द स्क्वेयर सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग इन की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं ईजिली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से यह सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं। वेल well, तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी एस की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहां पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाइन लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही मूवी मूवी पहेली के के बारे बारे में में तो इस यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि यह मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिससे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स पॉइंट फोर आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली तक देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये तीनों जेनर ही बहुत बखूबी बहु दिखाए गए हैं यहां पर ना सिर्फ आप लोगों को एक्शन बल्कि यहां पर रोमांस और थ्रिल भी देखने को मिलेगा अगर हम यहां पर आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्योरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वीडी द स्क्र सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग इन की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं ईजिली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से यह सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करेक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो हज़ार पाँच में रिलीज़ हो चुकी एस आर के की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाइन लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आईएमडीबी रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि ये मूवी अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी के सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों था था, को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली तक देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये तीनों जेनर ही बहुत बखूबी बहु दिखाए गए हैं यहां पर ना सिर्फ आप लोगों को एक्शन बल्कि यहां पर रोमांस और थ्रिल भी देखने को मिलेगा अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वी द स्क्र सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो हज़ार पाँच में रिलीज़ हो चुकी एस आर के की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई एम रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि यह मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी इस मूवी की अगर तो हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई जो है वो कितनी है, कि ये बहुत लेंदी है या बस सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े बढ़ेन बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली तक देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये तीनों जेनर ही बहुत बखूबी दिखाए गए हैं यहां पर ना सिर्फ आप लोगों को एक्शन बल्कि यहां पर रोमांस और थ्रिल भी देखने को मिलेगा अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्योरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वीडी द स्क्वेयर सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस आर के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं। वेल well, तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो हज़ार पाँच में रिलीज़ हो चुकी एस आर के की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आईएमडीबी रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि ये मूवी अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एन बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी तरही भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली तक देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये तीनों जेनर ही बहुत बखूबी बहु दिखाए गए हैं यहां पर ना सिर्फ आप लोगों को एक्शन बल्कि यहां पर रोमांस और थ्रिल भी देखने को मिलेगा अगर हम यहां पर आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्योरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वीडी द स्क्वेयर सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं ईजिली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो हज़ार पाँच में रिलीज़ हो चुकी एस आर के की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई एम डी बी रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि यह मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस की जो है वो सारी की सारी की पर रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानवर से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है, है आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग रखी गई है सिक्स पॉइंट फोर आउट ऑफ टेन की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े बात कर लें यहाँ पर इस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली लास्ट तक देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये तीनों जेनर ही बहुत बखूबी दिखाए गए हैं यहाँ पर ना सिर्फ आप लोगों को एक्शन बल्कि यहाँ पर रोमांस और थ्रिल भी देखने को मिलेगा अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या यह बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वी द स्क्वेयर सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते वेल well, तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी एस की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई एम डी बी रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि यह मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है कि ये बहुत ज़्यादा है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े बढ़ेन बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली

डोरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी के डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अन उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वीडी द स्क्र सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं ईजिली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल well, तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी एस की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाइन लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि यह मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस की जो है वो सारी की सारी यहां पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स पॉइंट फोर आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस देख दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली

टाइम ड्योरेशन रखी गई है अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी के डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वीडी द स्क्वेयर सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस आर के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं ईजिली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर यह वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल well, तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी एस की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाइट लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि यह मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिससे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आई एम डी बी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो कितनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स पॉइंट फोर आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई एम डी बी रेटिंग है एंड इसी आई एम डी बी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस देख दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहां पर आगे बढ़े बात कर लें यहां पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहां पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली

टाइम ड्योरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वीडी द स्क्वेयर सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग इन की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं ईजिली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर यह वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं वेल well, तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फ़ैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी एस की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहां पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल 2005 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आई रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि यह मूवी अभी कहां पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी भी प्रजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस देख दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली

टाइम ड्योरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वीडी द स्क्र सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग इन की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं ईजिली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर यह वहां पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से यह सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं। वेल तो जी वैसे तो एस आर के ने बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उनके करैक्टर्स नज़र आते हैं कुछ में उन्होंने एक्शन मूवीज़ दी हैं कुछ उन्होंने साईफाई मूवीज़ दी हैं कुछ थ्रिलर हैं कुछ रोमांटिक हैं तो अगर आप लोग भी एस आर के के फैन हैं आप लोगों को भी उनकी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रजेंट करने वाला हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी एस की ही बहुत ही प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो यहाँ पर हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाइन लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत प्यारी मूवी पहेली के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो सबसे सब पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर एंड इस मूवी के जेनर पर और फिर आईएमडीबी रेटिंग एंड डायरेक्शन एंड देन हम बात करेंगे कि ये मूवी अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो इसी तरह से हम वीडियो को आगे लेकर चलेंगे तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि हम कास्टिंग पर ही बात करेंगे तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जस्ट लाइक यहाँ पर आप लोगों को एस आर के मीन्स शाहरुख खान तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे ही क्योंकि एज अ लीड रोल में हमें वही नज़र आते हैं उसी के साथ आप लोगों को रानी मुखर्जी देखने को मिल जाएंगी अमिताभ बच्चन जूही चावला अनुपम खेर उसी के साथ साथ आप लोगों को या राजपाल यादव सुनील शेट्टी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने यह मूवी भी प्रजेंट की है काफी अच्छे तरीके से ये सारी के सारी की मूवी आप लोगों के सामने रखी गई है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी भी आप लोगों के सामने रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है कि आइए बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो बहुत ही डिसेंट रखी गई है सिक्स आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से सिक्सटी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े एंड बात कर लें यहाँ पर किस मूवी का जो है वो जेनर क्या है हम इस क्या? क्या क्या इस हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलेगा तो ना सिर्फ आप लोगों को इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा बल्कि यहाँ पर आप लोगों को थ्रिल भी देखने को मिलेगा एंड रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ तरहि पर भरपूर अंदाज में प्रेजेंट किया गया है अगर आप लोग इन तीनों में से किसी भी जेनर के लिए लवर हैं आप लोगों को इन तीनों में से कोई भी जेनर पसंद है तो आप लोग इस वीडियो को डेफिनेटली तक देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये तीनों जेनर ही बहुत बखूबी दिखाए गए हैं यहां पर ना सिर्फ आप लोगों को एक्शन बल्कि यहां पर रोमांस और थ्रिल भी देखने को मिलेगा अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्योरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही डिसेंट रखी गई है तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है जी अमोल पलेकर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर सारे की सारी, सारी डायरेक्शन को आप लोगों के सामने हैंडल किया है अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज़ दी हैं या नहीं दी तो हाँ इन्होंने पास्ट में काफ़ी सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें आप लोगों को पहली के अलावा अनकही उसी के साथ साथ यहाँ पर बंगद वी द स्क्र सर्कल और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं तो हाँ भाई आप लोग की मूवीज़ को एक एक चांस तो दे ही सकते हैं बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है एंड अभी फाइनली ये मूवी कहाँ पर एंड कौन सी लैंग्वेज में हमें अभी देखने को मिल रही है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एस के हैं तो ऑब्वियसली ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की ही मूवी होगी तो हाँ ये बॉलीवुड की मूवी है एंड आप लोगों को प्योर हिंदी जुबान में ही देखने को मिल रही थी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है जी इजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं इजीली जाइएगा और जाकर इस मूवी को इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को वहाँ पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं बहुत अच्छी स्टोरी लाइन के साथ बहुत ग्रिपिंग तरीके से ये सारी की सारी मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है जो कि आप लोग इस मूवी को एक चांस डेफिनेटली दे सकते हैं।